अगर आपके पास आईफोन 13 होता तो आप बेचते? आईफोन नहीं चाहिए मेरे हस्बैंड को। बेचने मेरा आईफोन जा रहा है, पूर्वी को बहुत पसंद था। एंड कैसे आप सब? तो आज मुझे आप लोग से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछना है। बेसिकली ये मेरे पापा से रिलेटेड है। अगर आपके पास आईफोन 13 होता तो आप बेचते? कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरे पापा ने आईफोन लिया और आज वो बेचने जा रहे हैं, क्योंकि वो एकदम बोर हो गए हैं आईफोन से। आईफोन उनको बिल्कुल नहीं पसंद आया, पापा को बहुत ज्यादा बोर हो गए और अभी बेचने जा रहे हैं पापा। अगर आपके पास भी होता तो क्या आप भी ऐसा करते? मुझे बताना। कितने दिन हो गए? 2 महीने नहीं, 2 या 3 महीने हो गए शायद। 3 मंथ्स वापरा हुआ है फोन, यूज किया हुआ है, और आज वो उसको बेचने जा रहे हैं और हमको लॉस भी बहुत हो रहा है उसमें। बट उनको नहीं चाहिए आईफोन, आईफोन नहीं चाहिए मेरे हस्बैंड को। आईफोन 13 अभी वो दूसरा फोन आज लेने, वो आईफोन बेच के एंड्रॉइड खरीद रहे, बोल रहे बहुत बोर हो गया उनको, उनको पसंद नहीं आ रहा। हाँ, पसंद नहीं आ रहा मुझे वो छोटा सा फीचर्स भी उनको पसंद नहीं। कैमरा क्वालिटी है, पापा को कैमरा ऐसा चाहिए ना जो शायद ही किधर। गाइस, उससे अच्छा मेरा फोन है, पता है। तो आज पापा फाइनली बेचने जा रहे हैं आईफोन 13 और साहिल उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं बिछवाने में। उसके पास भी ऑलरेडी आईफोन 10 है और एक 5 भी है आईफोन, 2 फोन है उसके पास, मेरे पास है एक ही। 10th के बाद दिलाएगी ना मम्मी? दिलाऊंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताना कि अगर आपके पास भी आईफोन होता, आईफोन 13 14 तो आप बेचते क्या, बताना जरूर। तो अभी मेरे डियर हस्बैंड जा रहे हैं अपना फोन बेचने और वो बेच के वो कोई अच्छा सा 100 पीस लेके आएंगे। और इसमें आप क्या राय देना चाहोगे बताओ फटाफट, या आपको चाहिए तो बताओ। लेकिन वो अभी निकल रहे हैं, घंटे भर ये ब्लॉग बहुत लेट जाएगा ना जब तक फोन बिक चुका होगा। तो ठीक है, अभी खा रहे हैं हम लोग खाना यहाँ पर। आज मैंने पाव भाजी बनाई। हाँ, आज पूर्वी ने ना पाव भाजी बनाई, लेकिन लाइट नहीं थी घर में, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी हम पाव भाजी खा रहे हैं, आ जाइए पाव भाजी खाने के लिए। गाइस, मेरे हाथ में 3 ब्रेसलेट्स है, ये मुझे कल मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया, तीशा दीदी। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, ये मुझे तीशा दी ने दिया और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। और मैं आर्मी नहीं हूँ पर मुझे पर्पल कलर पसंद है। हाँ, बाय। मैं कितना खुश हुई थी जब आईफोन आया था, है ना मम्मी? बहुत ज्यादा खुश हुई थी। और आज आईफोन जा रहा है, सो सैड। अपना फोन यूज करने को मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता था, पापा के फोन यूज करती थी रात भर और सुबह पापा को पता चल जाता था। फोन का पावर तो लेके जा। पापा इसलिए भी देने जा रहे हैं फोन क्योंकि मैं और साहिल अपना फोन रात को ऑफ करके, मतलब चार्जिंग पे लगा के, उनका फोन यूज करने लगते। और साहिल को भी आईफोन है ना, तो उसने क्या बोलते हैं, उस नहीं नहीं हाँ, उसका और पापा का भी चार्जर एक जैसा ही है ना, मतलब सेम है। तो साहिल अपना निकाल के पापा का लगा देता था या अपना लगा के पापा का निकाल देता था। अरे कहना क्या चाहते हो? आधी परेशानी तो हमारे वजह से ही है पापा को, होप है उनको अच्छा फोन मिले। अभी वन प्लस बेस्ट है या फिर सैमसंग S10 भी सोच रहे हैं हम, S22 या S10, अगर वो मिल जाए तो भी चलेगा, उसकी जूमिंग पावर बहुत अच्छी है। वन प्लस ले रहे हैं? मैंने ही बोला पापा को, वन प्लस नो मुझे पता है। ये मेरा फोन है। खाना खाया? नहीं खाया। ओ देखो देखो पीकर,
किधर किधर जाता है पागल। हाय बोल दो, हाय हाय बोल दो सबको। हाय गाइस। तो गाइस फाइनली हाथों में लोगों ने ले लिया है, देखो फोन चार्जर बिल बॉक्स वगैरह सब ले लिया है, जो कि ये लोग जा रहे हैं बेचने। मेरा आईफोन जा रहा है, पूर्वी को बहुत पसंद था तो इसको बेच के हस्बैंड लाएंगे एंड्रॉइड पीस। शी पूर्वी कितनी गंदी लग रही है। तो चलिए खाना हो गया है, जा रही हूँ किचन सेट करने। तो मैं जा रही हूँ अभी लॉस्ट इन स्पेस देखने, मेरा थर्ड टाइम चल रहा है ये सीरीज, दो तीन बार देख लिया है मैंने, मुझे अच्छी लगती है काफी। तो मेरा फोन दे ना। एक तो स्ट्रेंजर थिंग्स, दूसरी लॉस्ट इन स्पेस। मेरा फोन दे। हाँ। तो गाइस फाइनली मैं इससे ले रही हूँ मेरा फोन। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। कल हस्बैंड गए थे फ़ोन के लिए, लेकिन कल नहीं हो पाया, वो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो आज मैं बहुत ही दिनों बाद सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ। 6:37 हो रहे हैं और आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे, 10th स्टैंडर्ड का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है, 6:30 होके गए हैं, 7 बजने वाले हैं। यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, साबूदाना खिचड़ी टिफिन के लिए, और चाय बन चुकी है, और पूर्वी रेडी हो चुकी है, पूर्वी के डैडी रेडी हो चुके हैं। तो बड़ा ही खिला खिला सा देख के साबूदाना बना है, बड़ा ही मस्त। काम तो कर रही हूँ पर हाथ की वजह से इतना नहीं हो पा रहा है, मतलब स्वेलिंग वापस से मुझे आ गई है, मुझे फिर से जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और स्वेलिंग भी है और रात को मुझे पेन हो रहा था। तो चलिए डियर हस्बैंड को देख के आती हूँ सबसे पहले नाश्ता। तो गाइस पूर्वी का टिफिन रेडी है, आज मैंने बहुत दिनों में उसको टिफिन बना के दिया है, साबूदाना खिचड़ी दी है मैंने उसको, और यहाँ पर पूरी रेडी है और पूरी निकल रही है स्कूल के लिए। और चलिए मैं सेक लेती हूँ मेरे हाथ को बर्फ से, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, बेस्ट ऑफ लक, सभी स्कूल जाना, अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना, बाय बाय। तो गाइस पूर्वी और उसके पापा जा चुके हैं स्कूल के लिए, और साहिल मेरा बेटा यहाँ पर बर्फ़ से हाथ सेक कर मुझे पट्टी बांध रहा है, ताकि, और उसने बोला है थोड़ा आराम करो मम्मी, काम मत करो। तो फिलहाल मैं रेस्ट पर हूँ अभी। तो बस यहीं पर आज मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कल देखने मिलेगा आपको न्यू फ़ोन का वीडियो। तो बस अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और अपने बच्चों से बहुत प्यार करो, उनसे सभी बातें शेयर करो, अपनी बताओ उनकी सुनो। तो बाय बाय, टेक केयर।